नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्मार्ट नौकरी चैनल में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वीडियो के नीचे जो लाल वाली बटन है उसे दबाकर स्मार्ट नौकरी चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। बात करते हैं लोकल ट्रेन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक लंबे समय से लोकल ट्रेन आम जनता की पहुँच से बाहर रखा गया। इसके पीछे वजह कोरोना की लहर। जी हाँ, पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर और अब तीसरी लहर का खतरा बताते हुए आम जनता को इसकी पहुँच से बाहर रखा गया। तो दूसरी तरफ आम जनता का कहना है कि जब पॉलिटिकल रैलियाँ हो सकती हैं, मीटिंग्स हो सकते हैं, जब भी कोई इलेक्शन का माहौल आता है, इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ आम जनता के लिए लोकल में ही कोरोना फैलता है। BST की बसों में, ऑटो में, कैब्स में, इन तमाम जगहों पे कोरोना नहीं फैलता। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दाम आप समझ सकते हैं आसमान छू रहे हैं। 107 रुपये लीटर इस समय हालात हैं मुंबई में पेट्रोल के पर लीटर। तो कहीं ना कहीं एक तरफ लोकल बंद, दूसरी तरफ पेट्रोल के दाम ज़्यादा, यानी ट्रांसपोर्ट भी आपका महंगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर आम जनता के भीतर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा है। आम जनता से जब बात की गई तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि आम जनता अब ज़्यादा अपना जो है गुस्सा और ज़्यादा सब्र नहीं रख सकती, क्योंकि लंबे समय से उन्होंने इंतज़ार किया सरकार के फैसले को। तो फिलहाल सरकार भी अब एक्शन मोड में नज़र आती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टास्क फोर्स की मीटिंग के बारे में। टास्क फोर्स वो होता है जो महाराष्ट्र में ये डिसाइड करता है कि लॉकडाउन लगाया जाए या लॉकडाउन हटाया जाए, कोरोना की क्या स्थिति है, कौन कौन सी चीज़ें खोली जा सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें अभी फिलहाल बंद रहनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों का निर्णय टास्क फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पर अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के सामने जो टास्क फोर्स की बैठक थी वो कंप्लीट होने वाली है और आज एक बड़ा फैसला निकल कर आएगा कि लोकल आम जनता के लिए खुलेगी या नहीं खुलेगी, और आम जनता में भी कौन कौन से लोग सफ़र कर पाएंगे 15 जुलाई के बाद से। जैसे वैक्सीन लगवा चुके लोगों को अनुमति दी जाएगी, या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले तमाम प्रवासी मजदूर वर्ग के लोगों को जिनका घर चलना मुश्किल हो चुका है लोकल में सफ़र ना करने की वजह से, उनके रोज़गार जो है छिन चुके हैं, इन तमाम लोगों को लेकर फिलहाल बैठक में जो है बातचीत की गई है। अब डिसाइड ये करना है सरकार को कि वैक्सीन वालों को पहले अनुमति दी जाएगी या सभी को मिक्स कर, यानी कि सभी को, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, चाहे वो प्राइवेसी मजदूर हो, चाहे मजदूर किसी भी प्रकार का, किसी भी कंपनी में काम करने वाला सेल्समैन हो, तमाम लोगों को। लेकिन फिलहाल अभी ऑफिशियल अपडेट आना बाकी है। जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली उसमें बताया जा रहा है सुबह 7 से 10, 4 से 8 बजे तक आप जो है सफ़र कर सकते हैं, यानी कि बाकी समय को से जुड़े लोग ही सफ़र कर पाएंगे।